ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, थाईलैंड, उन्होंने इतना प्रचार करके करके अनेक भद्र जी को उन्होंने कृष्ण भावनामृत दे दिया। सभी तो अभी कृष्ण भावनामृत में अच्छा सेवा कर रहे। महाराज हमेशा प्रैक्टिकल गाइडेंस देते हैं हर चीज में। इनका इंस्पिरेशन मतलब इनका वो अनुभव है सबको आकर्षण करने वाला है। महाराज सबसे इतना विनम्रता से जो भी भक्त उनको दंडवत करेगा तो उन्होंने साथ साथ करते थे। इतना श्रेष्ठ महाराज तो इतना हमेशा विनम्रता से रहते हैं। महाराज हरे कृष्ण मायापुर में, हरे कृष्ण महाराज 1994 में महाराज को संन्यास आश्रम मिला इस होलीनेस कमाल कृष्ण स्वामी महाराज से। महाराज का उसका इसका मतलब इनका लाइफ स्टाइल में वही स्टाइल था क्योंकि पहले से ही उन्होंने हम बताया कठोर नियम पालन करने वाले हैं। सो देर वॉज नॉट मच डिफरेंस इन दिस लाइफ स्टाइल एज इट इज। महाराज तो अच्छी तरह से सेवा करते हैं। इनका सेवा में हम लोग को आगे भी देख सकते हैं। इनका सिंसियर और फेथफुल प्रैक्टिस के वजह से इन्होंने जो भी बात करते हैं वो हिसाब से अनुसरण करने वाले हैं, अनुष्ठान करने वाले हैं। महाराज इसमें मायापुर इंस्टीट्यूट में प्रचारक हैं। ही इज अ ग्रेट प्रोफेसर। ही हैज बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी सर्विसेज इन दी मायापुर इंस्टीट्यूट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इट। महाराज इंटरनेशनल ग्रुप में नवदीप मंडल परिक्रमा में भी उन्होंने सेवा करता है। महाराज इतना मैंने जैसे ही बताया इतना मृदुल है। सो जो भी शास्त्र का हमको किसी को डाउट है महाराज से पूछ सकते हैं। इज वेरी स्पेशल इन ऑल द सब्जेक्ट्स भगवद्गीता भागवत चैतन्य चरता जो भी है सबके अंदर उन्होंने अच्छी तरह से हमको समझा सकते हैं। सो ही इज अ वेरी गुड प्रीचर एंड वेरी ग्रेट डिसिपल ऑफ श्रील प्रभुपाद। सो वी विल वेलकम महाराज वंस अगेन विद हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु। हियर परमेश्वर गौरदास। Yes, Hare Krishna Prabhu. Please accept my humble obeisances. Please accept my humble obeisances. Maharaj, we need your blessings, Maharaj. Please accept our humble obeisances. Thank you so much, Maharaj. Oh, thank you, Prabhu. Thank you, Maharaj. So we can begin. We are having Hindi translation, I take it. Nanda Kishore Prabhu will be here, Maharaj. He's going to translate. Yes, Hare Krishna. What? Sentence by sentence or what? Yes, Guru Maharaj, sentence by sentence. Okay. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksur Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasati Devi Gauravani Precharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're approaching the appearance day of Advaita Acharya, Lord Nityananda, and then Sri Chaitanya Mahaprabhu. So very appropriate that we're speaking from Chaitanya Charitamrita. So I'm just going to speak about some pastimes which I wanted to bring to your attention. Hare Krishna, so we are very nikat aa rahe hain Sri Advaita Acharya, Sri Nityananda Prabhu and Sri Chaitanya Mahaprabhu ke Avirbhav Divas ke nikat aa rahe hain. तो मुझे लगा कि ये उपयुक्त होगा कि हम श्री चैतन्य चरितामृत से कथा करें, इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत से मैं कुछ लीलाएं आपके आगे प्रस्तुत करूंगा। Today is actually the first day of the Chinese New Year,
And last night is the traditional, yesterday is the last day of the year, and it's customary that all the members of the family, they will all come together and they'll take a meal together. So we had a program like that here in Mayapur. I had a group of Chinese devotees here and we took prasadam together. तो कल तो आज पहला दिन है चीन में नव वर्ष मनाया जा रहा है तो कल चीन में पिछले वर्ष की आखिरी रात्रि थी और वहां पर ये पारंपरिक है कि सभी सदस्य परिवार के एक साथ मिलके अपना भोजन ग्रहण करेंगे तो कल मैंने भी यहां पर श्रीधाम मायापुर में चीन के भक्तों के साथ हमने कल रात साथ में मिलके प्रसादम पाया सो आई वाज सीइंग हाउ द यंग devotees, how nicely they've learned to play the madanga and the harmonium and how they can sing wonderful kirtan. So I was watching the yuva bhakt hai kitne achhi tarike se unhone mridang aur harmonium bajana sikha hai aur kitne adbhut kirtan karte hain. So I was thinking about Lord Chaitanya Mahaprabhu and in the pastimes of Lord Chaitanya, I was thinking about the young people, younger people, the youth, or even children who were there with Lord Chaitanya Mahaprabhu, and how they're also mentioned in different places in the pastimes of Lord Chaitanya. तो मैं सोच रहा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में जो युवा व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं. उनका भी वर्णन किया गया है श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में वो अन्य स्थानों में उनके साथ थे फॉर एग्जांपल वी नो लॉर्ड नित्यानंदा ही हैड अ सन कॉल्ड वीरभद्र एंड वीरभद्र वाज अ वेरी वंडरफुल प्रीचर एंड ही ब्रॉट मेनी पीपल टू कृष्णा कॉन्शियसनेस एस्पेशियली बुद्धिस्ट देयर वर मेनी बुद्धिस्ट एट द टाइम ऑफ चैतन्य महाप्रभु But when they saw Virabhadra, they all became devotees, they became Vaishnavas, and they gave up the Buddhist philosophy. So, जैसे के उदाहरण के तौर पे श्री नित्यानंद प्रभु जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था वीरभद्र वो बहुत ही अद्भुत प्रचारक थे वे कई व्यक्तियों को कृष्ण भावनामृत में लाए थे खास करके जो बुद्धिस्ट व्यक्ति हैं उनको तो उस समय पर भी बुद्धिस्ट थे और वीरभद्र उन्हें वैष्णव बना रहे थे वीरभद्र नेवर मैरिड सो हैड नो डिसेंडेंट्स बट देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड नित्यानंद वंशज हु क्लेम दे हैव कनेक्शन विद लॉर्ड नित्यानंद बट नॉट सिमिनो सो इट्स नॉट रियली एन एम्पावरिंग कनेक्शन एंड We don't mind them preaching, they're welcome to preach, but it doesn't make them the acharya of the whole sampradaya. To Veerabhadra ne kabhi vivah nahi kiya, to isliye unka vamsh aage nahi badha tha, parantu koi bhakt hain jo kehte hain wo nitya vamsh se hain, wo ye dawa karte hain, parantu veerya dwara unka kuch sambandh nahi hai is vamsh se, to ye सशक्त संबंध नहीं है उनका तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि वे आके प्रचार करें परंतु ये अर्थ नहीं है कि वो उन्हें आचार्य बनाता है ये उनका नित्य वंश से उनका कहना सो ओम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ही प्रीच्ड पावरफुली अगेंस्ट दीज नित्यानंद वंशज एंड ही एस्टैब्लिश्ड दैट एवरीवन हैज द राइट टू प्रीच एंड जस्ट बिकॉज़ यू आर कनेक्टेड हैव सम close connection to Lord Nityananda, it doesn't make you the acharya. So, Om Vishnupad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Ji ne in Nitya Vamsh ke virudh bahut prachar kiya. Unhone kaha ke har vyakti ko prachar karne ka adhikar hai aur keval kyunki aapka kuch sambandh hai Nitya Vamsh se, ye aapko acharya nahi banna raha hai. Lord Nityananda also had a daughter called Ganga Devi. I don't know so much about her, but it shows he had a family, he had children, and
They were Krishna conscious, they were devotees. So, Nityanand Prabhu ki ek beti bhi thi jinka naam tha Ganga Devi. Mujhe unke baare mein adhik jankari nahi hai, parantu ye darshata hai ki unka parivar tha, unke bacche the aur ve Krishna bhavna bhavik the. Now, Advaita Acharya, he had 6 sons and 3 of them were very good devotees. अद्वैत आचार्य हैं उनके 6 पुत्र थे उनमें से 3 बहुत अच्छे भक्त थे. Other 3 sons they were smarta means mayavadi, so they were asara, useless people. तो और जो बाकी 3 पुत्र थे उनके वो स्मार्त थे अर्थात मायावादी थे और इस कारण से वो कुछ काम के नहीं थे. And the 3 sons who were devotees, first of all, oldest was Achyutananda, then second son was Krishna Mishra, and then the third son was Gopal. So, jo 3 putra the unke jo bhakt the sabse bade the Achyutananda, fir Krishna Mishra aur fir Gopal. So Achyutananda was really from his very birth, he was a great devotee of Lord Chaitanya, and the Chaitanya Bhagavat describes when he was only 3 years old, Lord Chaitanya had come there to Shantipur, and Achyutananda was just 3 years old. He was naked, running naked, and he came and he offered his obeisances to Lord Chaitanya. So, Achyutananda, jo hai, janam se hi bahut bade bhakt the. श्री चैतन्य महाप्रभु के और श्री चैतन्य भागवत में ये वर्णन है कि जब वो 3 वर्ष के उम्र के थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आए और अच्युतानंद उस समय बिना वस्त्र के नग्न अवस्था में भाग रहे थे और जैसे ही उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा उन्हें प्रणाम किया. And when Lord Chaitanya saw this little boy offering obeisances in the dirt, Lord Chaitanya picked him up and he put him on his lap. And he held him in his arms and he told him, he said, Advaita Acharya is my father. So he said, you and I are brothers. So jab Sri Chaitanya Mahaprabhu ne dekha ke is prakar wo zameen mein unko pranam kar rahe hain, to unhone unhe uthaya aur apne god mein rakha aur apne haathon mein unhe pakda, haathon ke beech mein, aur unhe kaha ke Advaita Acharya mere pita hain. Another pastime is mentioned. It is said that Advaita Acharya was explaining that the spiritual master of Lord Chaitanya was Keshava Bharati. You know, the sannyas guru, Lord Chaitanya took sannyas from Keshava Bharati. So Advaita Acharya was saying like this. And when Achyutananda heard this, he was very unhappy. तो एक और लीला है इस विषय में कि ऐसा कहा गया है कि अद्वैत आचार्य कह रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं वे केशव भारती हैं क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हीं से संन्यास लिया था, परंतु इस बात को जब अच्युतानंद ने सुना तो वो बहुत दुखी हुए. अच्युतानंद इज अ लिटिल बॉय, लिटिल चाइल्ड, जस्ट लाइक 3 or 4 years old. He says that he said to his father, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the spiritual master of the 14 worlds. If you say that he's the disciple of Keshava Bharati, you will ruin the whole country by saying this. अच्युतानंदा उस समय एक बहुत छोटे बालक थे 3-4 वर्ष के, तो जब उन्होंने अपने पिता को ये कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो पूरे 14 लोकों के आध्यात्मिक गुरु हैं और अगर आप ऐसा कहोगे कि वो केशव भारती के शिष्य हैं तो आप पूरे देश को बर्बाद कर दोगे. So hearing this little child speak like that, Advaita Acharya is very pleased. He thought, oh, my son is really such a nice devotee. He has so much faith in Lord Chaitanya Mahaprabhu.
तो जब अद्वैत आचार्य ने उस छोटे अपने छोटे बालक को इस प्रकार वचन कहते हुए सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, हाँ मेरा पुत्र कितना अच्छा भक्त है, उनको कितनी श्रद्धा है श्री चैतन्य महाप्रभु में। So Achyutananda, as he grew up, He went to Jagannath Puri, and he would stay there in Jagannath Puri with Lord Chaitanya, because Lord Chaitanya Mahaprabhu was always in his heart. तो जब अच्युतानंद बड़े हुए, तब वे जगन्नाथ पुरी गए और वहाँ वे चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमेशा अच्युतानंद के हृदय में थे। We can read the description of Rath Yatra. How all the devotees came from Shantipur with Advaita Acharya, and Achyutananda, he's also dancing in the Sankirtan party with all the devotees from Shantipur. So hum iska varnan pad sakte hain jab hum padhte hain us rath yatra ka varnan jahan par bhakt kai bhakt Shantipur se aaye aur Achyutananda bhi unhi mein se hain. और वे नाच रहे हैं संकीर्तन में उन भक्तों के साथ जो शांतिपुर से आ रहे हैं। So Achyutananda lived there in Jagannath Puri. He stayed with Gadadhar Pandit. Gadadhar Pandit is also from Mayapur, and he'd moved to Jagannath Puri when Lord Chaitanya took sannyas. So Achyutananda, he came to Jagannath Puri. He stayed with Gadadhar Pandit. He became the disciple of Gadadhar Pandit. तो Achyutananda Puri अच्युतानंद जब जगन्नाथ पुरी में थे वहाँ वे गदाधर पंडित से भी मिले। गदाधर पंडित भी मायापुर के निवासी थे और वे भी पुरी आए थे जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। तो अच्युतानंद भी पुरी आए और वहाँ वे गदाधर पंडित के शिष्य बने। अच्युतानंद stayed there with Lord Chaitanya every day. Could take part in the different pastimes with Lord Chaitanya, the Sankirtan, or whatever Lord Chaitanya would be doing, then Achyutananda would also take part. So Achyutananda वहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे पुरी में और वे उनके विभिन्न लीलाओं में भाग लेते जैसे कि संकीर्तन लीला इत्यादि। तो जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ लीलाएं करते उसमें अच्युतानंद भाग लेते। Then the second son of Advaita was Krishna Mishra, right? He was, you know, Achyutananda he never married, but Krishna Mishra he married, and he had children, so he didn't travel so much. He just stayed here in Navadvipa. तो उनके अद्वैत आचार्य जी के दूसरे पुत्र थे कृष्ण मिश्रा। तो अच्युतानंद ने विवाह नहीं किया था परंतु कृष्ण मिश्रा ने विवाह किया था, इसलिए वो ज़्यादा भ्रमण नहीं करते थे। वे उनके पुत्र थे और वो ज़्यादा समय नवद्वीप में ही बिताते थे। And then the third son, Gopal, there's a pastime mentioned about the youngest son, of the third son, not the youngest, but it's the third son who was the devotee. And Gopal was, he was at Jagannath Puri. He had gone there with Advaita Acharya and the other devotees from Shantipur to take part in the Rath Yatra. And before the Rath Yatra, they will go and clean the Gundicha temple. तो इसके बाद अद्वैत आचार्य के तीसरे पुत्र का वर्णन है गोपाल। तो वे भक्त थे और ये भी वर्णन है कि वे जगन्नाथपुरी गए थे अद्वैत आचार्य के साथ और अन्य भक्तों के साथ जो शांतिपुर से पुरी जा रहे थे रथ यात्रा के लिए। और रथ यात्रा के पहले सभी भक्त मिलके गुंडीचा मंदिर की सफाई करते थे। So while they were cleaning the temple, they were having kirtan. Sankirtan was going on, and Gopal is a young, not very old. He was chanting and dancing, and dancing and chanting. And Lord Chaitanya was encouraging him. He would say, "Gopal, dance," and Gopal would dance. But at one point, Gopal danced, and then he fainted. He just collapsed. He fell down unconscious. वहाँ पर ये वर्णन है कि जब वे गुंडीचा मंदिर साफ कर रहे थे, तो वे कीर्तन भी करते थे, संकीर्तन होता था, और गोपाल तो युवक हैं, तो वे भी कीर्तन में
जप कर रहे थे और नाच रहे थे, फिर कीर्तन कर रहे थे और नाच रहे थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें उत्साहित कर रहे थे, गोपाल नाचिए, तो गोपाल नाच रहे थे, परंतु एक समय ऐसा हुआ कि वो नाचते नाचते बेहोश गिर पड़े। So when Gopal fell unconscious, the father Advaita came and picked him up on his lap, and he was very worried because he could see Gopal was not breathing. There was no consciousness there at all. तो जब इस प्रकार गोपाल नाचते नाचते बेहोशी की स्थिति में गिर गए, तब उनके पिता अद्वैत आचार्य वहां आए और वे ये देखकर बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि वो देख रहे थे कि गोपाल सांस नहीं ले रहे हैं, चेतना का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा था। So Advaita begins to chant the holy name of Lord Nrisingadev, and the other devotees who were there, they also chanted because they could see the situation. They thought, oh, maybe he's left the body. तो अद्वैत आचार्य वहाँ भगवान नरसिम्हदेव के नाम का जप करने लगे, जो दूसरे भक्त थे वहाँ वे भी भगवान के नाम का जप करने लगे, क्योंकि वो स्थिति की गंभीरता देख रहे थे, वे सोच रहे थे कि शायद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है। So it was very worrying. Advaita was shedding tears, and other devotees were also crying because they thought, oh, he's left the body, this child has left the body. Of course, it's very auspicious to leave the body in kirtan, but still he's just a young child. So they feel very sorry that the boy is like this, dying, dead. उस समय अद्वैत आचार्य बहुत चिंतित थे और वे अपने आँखों से अश्रु बहा रहे थे, और भक्त वहाँ थे वे भी अश्रु बहा रहे थे, क्योंकि वे सब सोच रहे थे कि शायद इस गोपाल ने अपना शरीर छोड़ दिया है, ये बालक ने अपना शरीर छोड़ दिया है। बेशक ही कीर्तन के समय शरीर छोड़ना बहुत ही शुभ है, परंतु ये बहुत ही छोटी उम्र के बालक हैं, इसलिए वे दुख कर रहे थे कि शायद इसने अपना शरीर छोड़ दिया है। So then Lord Chaitanya came forward and he put his hand on the chest of Gopal and said, Gopal, get up and chant the holy name of Lord Krishna. And immediately Gopal came back to life and he stood up and he chanted the holy name, and all the devotees chanted in ecstasy. So then, after that, श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने अपना हाथ गोपाल के छाती पर रखा और उन्होंने कहा, गोपाल उठिए उठिए, भगवान के भगवान कृष्ण के नाम का जप कीजिए, और गोपाल वापस जीवित हो उठे, खड़े हो गए, और फिर वो कीर्तन करने लगे और सभी भक्त इस प्रकार परमानंद में आ गए। And then So Advaita Acharya had these six sons, the three of them good devotees, other three smarta, in other words, not devotees, but they're Mayavadis. So Shivananda Sen, he also had sons, he had also three sons. His three sons were called Chaitanya, and one was called Chaitanya, one was called Ramdas, and my other was called Paramananda. So, इस प्रकार अद्वैत आचार्य के छह पुत्र थे, तीन भक्त थे, श्री कृष्ण समझ रहे हैं, it should be muted. तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य के छह पुत्र थे, तीन भक्त थे और तीन स्मार्ता थे, मतलब वे भक्त नहीं थे, वे मायावादी थे, और शिवानंद सेन के भी पुत्र थे, तीन पुत्र थे, उनका नाम था चैतन्य, रामदास और परमानंद। So Shivananda Sen, he was a very dear devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he took part in a lot of pastimes of Lord Chaitanya. And every year he would bring the devotees to Puri for Rath Yatra, and he would pay the expenses for them to go there. शिवानंद सेन बहुत ही प्रिय भक्त थे श्री चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के कई लीलाओं में भाग लिया था, और
हर वर्ष वे भक्त ले जाते थे पूरी रथ यात्रा के लिए और उनको पूरी ले जाने के पूरे खर्चे का भार वे खुद उठाते थे. It's even said that Vasudev Datta, he was another great devotee of Lord Chaitanya. And so Vasudev Datta was very liberal in spending. You know, he would give his money away to people all the time. And whenever he got anything, any money or anything of any value, he'd give it to people. And so Lord Chaitanya told Shivananda Singh, you have to take care of Vasudev Datta. You look after his expenses for him. तो ऐसा भी कहा गया है कि वासुदेव दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही महान भक्त थे और वे खर्च करने के मामले में बहुत ही उदार थे. उन्हें जब भी कोई धन मिलता या कोई मूल्यवान वस्तु मिलती तो वो सभी लोगों में बांट देते थे. इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद सेन से कहा, आप वासुदेव दत्त जिस प्रकार से खर्च कर रहे हैं उस पर ध्यान रखिए. So there's a pastime narrated in the Chaitanya Charitamrita how Lord Chaitanya was invited by Shivananda Sen to come to his home to take prasadam. So Shivananda Sen arranged for all the most opulent foodstuffs from the Jagannath Puri temple, you know, very rich and very heavy foodstuffs. And Lord Chaitanya came to his house. Lord Chaitanya had to eat it because Shivananda Sen is his dear devotee, so he wants to keep him happy. Lord Chaitanya would eat all of this opulent prasadam. तो इस प्रकार से एक और लीला का वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृत में कि किस प्रकार शिवानंद सेन ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित किया था अपने घर पर आके प्रसाद पाने के लिए और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की थी कि जगन्नाथपुरी मंदिर से सभी समृद्ध और भारी भोजन उन्होंने उसकी व्यवस्था की थी और जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर आए तो उन्हें वो पूरा प्रसाद खाना पड़ा क्योंकि शिवानंद सेन उनके बहुत महान भक्त हैं और उन्हें खुश रखने के लिए उन्होंने. You know, all the prasadam would be fried, you know, there'd be these heavy fried things and these things with a lot of sugar and milk and very rich. And so Lord Chaitanya ate it, but after he ate it, he had indigestion. He didn't feel so good after it because he had to eat, he ate a lot because he wants to please Shivananda Sen. So he had a lot, but afterwards he had indigestion. तो ये जो पूरा प्रसादम था उसमें से बहुत अधिक वस्तुएं तली हुई थी, बहुत भारी प्रसाद था, तली हुई वस्तुएं थी, शक्कर की बनी हुई, दूध की बनी हुई, इस प्रकार से बहुत समृद्ध भोजन था. परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे खा तो लिया परंतु उसे खाने के बाद उनका पाचन जो है वो थोड़ा बिगड़ गया. तो ये प्रसाद खाने के बाद चैतन्य महाप्रभु का पाचन बिगड़ गया था. I'm giving class, Prabhu, sorry. So, Shivananda Sen's oldest son, this Chaitanya Das, he arranged that. He said the next day Chaitanya Mahaprabhu should come, and he arranged very special, nice prasadam for Lord Chaitanya. He arranged things like ginger and yogurt and good quantity of salt, everything there, just to help Lord Chaitanya to improve his digestion. And when Lord Chaitanya saw how this boy had arranged very nicely food which was very suitable for Lord Chaitanya, Lord Chaitanya was very appreciative. He was very happy and he was very pleased with this boy. He said, this boy knows how to please me. तो इस प्रकार से जो शिवानंद सेन के सबसे बड़े पुत्र थे चैतन्य दास, उन्होंने दूसरे दिन ऐसी व्यवस्था की, इतने अच्छे प्रसादम की जिसमें
चीजें थी जैसे अदरक दही अच्छी मात्रा में नमक जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु का पाचन सुधर जाए अगले दिन। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार की खाने की वस्तुएं वहाँ देखी वो बहुत प्रशंसात्मक हुए बहुत प्रसन्न हुए इस बालक से और उन्होंने कहा कि ये जानता है मुझे किस प्रकार प्रसन्न करना है। So he was, you know, the boy must have been grown up. He was the oldest son of Shivananda Sen. And so he was able to take responsibility and he understood what kind of food would be suitable for somebody after having a heavy meal the day before. You don't want to eat 2 days heavy meal. So when he came the next day, he had prepared ginger and limes and yogurt. And Lord Chaitanya he'd got the rice and took it with yogurt. And he was very happy. He said, this is how I like to eat. This is very nice for me. This is good for my indigestion. तो इस प्रकार से ये बालक बड़े बड़े मतलब ये उनके सबसे बड़े लड़के थे तो उन्होंने इसलिए जिम्मेदारी उठाई कि किस प्रकार का प्रसाद अगले दिन पर उन्हें देना है चैतन्य महाप्रभु को क्योंकि दो बार एक साथ दो दिन भारी भोजन नहीं कर सकते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन आए तो इस प्रकार उन्होंने अदरक नींबू दही इत्यादि की व्यवस्था की और श्री चैतन्य महाप्रभु ने चावल ये दही के साथ और उन्होंने कहा हाँ ये मेरे लिए अच्छा है ये मेरे पाचन के लिए अच्छा होगा। And the youngest son of Shivananda Sen, he was called Paramananda. Lord Chaitanya would call him Puri Das. And Puri Das, when he was just a young child, a few years old, in Jagannath Puri, Lord Chaitanya said to the child, chant the holy name of Krishna, Puri Das. Chant the holy name of Krishna. And the child wouldn't do anything, he didn't say anything. शिवानंद सेन के सबसे छोटे बच्चे हैं उनका नाम था परमानंद परंतु चैतन्य महाप्रभु उन्हें पुरी दास के नाम से पुकारते थे। तो जब वे एक बहुत ही छोटे बालक थे कुछ ही वर्ष उनकी उम्र थी तो जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा कृष्ण का नाम जपो पुरी दास कृष्ण का नाम जपो परंतु वो बालक कुछ नहीं कर रहा था कुछ नहीं बोल रहा था। Lord Chaitanya said to Swarup Damodar, he said, just look. He said, I've given the holy name of Krishna to the whole world. The whole world is chanting, but I cannot get this young boy to chant the holy name. He said, I've even got, even the trees are chanting, and the movable living entities like the plants, they're all chanting the holy name. But this little boy, I can't get him to chant. तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ स्वरूप दामोदर जी से कहते हैं कि मैंने पूरे विश्व को ये भगवान के का पवित्र नाम दिया है लेकिन मैं इस छोटे बालक से जप नहीं करवा पा रहा हूँ। वृक्ष तक जप कर रहे हैं जो भी अचल चीजें हैं जैसे पौधे ये भी जप कर रहे हैं परंतु मैं इस छोटे बालक से जप नहीं करवा पा रहा हूँ। And Swarup Damodar said to Lord Chaitanya, he said, no, my Lord, he said, you have initiated him now, you've given him the holy name of Krishna. So he's chanting, but he's chanting in his mind. He's not chanting aloud. The chanting is there in his mind. So Swarup Damodar ji ne Shri Chaitanya Mahaprabhu se kaha, कि नहीं चैतन्य महाप्रभु आपने अभी इस बालक को दीक्षित किया है आपने इसे पवित्र नाम दिया है तो ये जप जरूर कर रहा है परंतु ये अपने मन में जप कर रहा है ये जोर से जप नहीं कर रहा है पर ये अपने मन में जप कर रहा है। So then a few days later the same little child came back again in the presence of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu said, Puri Das, Recite. Tell us something. Recite something about Krishna. Let us hear the holy name or say something about Krishna. So the little child immediately spoke of a poem. He recited a poem. He, the child himself, composed a poem, a beautiful poem glorifying Lord Krishna.
फिर से वो जो बालक है पुरी दास वो चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आया कुछ दिनों बाद, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा, पुरी दास कुछ सुनाइए हमें, कुछ बताइए हमें कृष्ण के विषय में, उनके नाम के विषय में या कृष्ण के बारे में कुछ कहिए। तो तुरंत ही इस छोटे बालक पुरी दास ने एक कविता सुनाई वहाँ, और ये कविता उस बालक ने खुद रची थी भगवान कृष्ण का गुणगान करने के लिए। Yeah, the poem said, Lord Sri Krishna is just like a blue lotus flower for the ears. तो वो कविता में ये कहा जा रहा था कि भगवान श्री कृष्ण नीले कमल के फूल के समान हैं हमारे कानों के लिए। He's like ointment for the eyes. तो जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो मंजन की तरह हैं आँखों के लिए। He's like a necklace of Indranila gems for the chest. तो वो एक हार की तरह है, महाराज विच हार, सॉरी आई कुड नॉट हियर दैट, Indranila gems. वो एक हार की तरह है जो इंद्र नीला रत्नों से बनी हुई है। And he's like ornaments for the gopis of Vrindavan. और वे गहनों की तरह है वृंदावन की गोपियों के लिए। Let Sri Krishna be glorified. In this way, the little child who never had any education just spoke this poem, amazed everyone. तो उन्होंने फिर कहा कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान हो। तो इस प्रकार ये छोटा बालक जिसने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की थी उन्होंने ये कविता रची, और ये देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। How is it possible a little child could just speak these kind of words? Of course, we could say that maybe he's not an ordinary child, he's a very special soul who's come in the family of great devotees to see the pastimes of Lord Chaitanya. तो इस प्रकार कैसे ये संभव है कि इतना छोटा बालक ऐसे शब्द कह सकता है? तो जरूर ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो बहुत ही विशेष आत्मा है जो महान भक्तों के परिवार में जन्मा है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखने के लिए। We can also say it's the inconceivable mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, which even Lord Brahma, we can say that this child was able to recite such a poem by the inconceivable mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. This mercy cannot be understood even by the demigods like Brahma. तो हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान की अचिंतनीय शक्ति के कृपा के कारण है कि ये बालक इस प्रकार की कविता रच सका। ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, ये देवी देवता जैसे कि ब्रह्मा भी इस कृपा के विषय में नहीं समझ सकते। So this child Puri Das, later on he grew up to become Kavi Karnapurna, and he wrote the Gaur-Ganadesh Deepika, a book which reveals the identity of the different associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu in his pastimes. तो इसके बाद ये बालक है जब ये पुरी दास जब ये बड़े हुए तो ये बने कवि कर्णपूर्ण जिन्होंने गौर गण देश दीपिका की रचना की जो श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में जो उनके अन्य संगी हैं उनकी वास्तविक पहचान बताती है। Another pastime which took place, we see another before Lord Chaitanya's sannyas, Lord Chaitanya had gone to visit Bangladesh, and he was still a householder and he was teaching, but he had gone to travel to teach and he'd gone into Bangladesh and he met with Tapana Mishra. Tapana Mishra had come to him to get spiritual guidance. इसके पहले एक और लीला है जो है एक और लीला रची थी कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास के पहले वे बांग्लादेश गए थे, वो उस समय अभी भी गृहस्थी थे
परंतु वे बांग्लादेश गए थे शिक्षा प्रदान करने के लिए, और वहाँ उनकी मुलाकात तपन मिश्रा से हुई, जो वहाँ आए थे श्री चैतन्य महाप्रभु से आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने के लिए. So Tapana Mishra had a dream that this personality who's coming could guide him in his spiritual life. Tapana Mishra had come there and met Lord Chaitanya, and at that time Lord Chaitanya had instructed him that if you go and stay in Benares, later on I will come there to Benares and I will meet you there. तो ऐसा हुआ था कि तपन मिश्रा जी को एक स्वप्न आया था जिसमें बताया गया था कि ये जो व्यक्ति अब आ रहा है वहाँ पर वो आपको मार्गदर्शन दे पाएगा आध्यात्मिक जीवन में. इसलिए तपन मिश्रा वहाँ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले और उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया. चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा कि अगर अभी आप जाके बनारस में निवास करेंगे तो कुछ समय बाद मैं वहाँ आपसे फिर मिलूँगा. So, Lord Chaitanya, after taking sannyas and he'd gone to Jagannath Puri, and then he, on his way to Vrindavan, he went to Banaras. And when he was in Banaras, he would stay at the home of Chandrasekhar and he would take prasadam in the home of Tapana Mishra. Bhagwan Chaitanya Mahaprabhu sannyas ke baad Puri gaye aur jo Vrindavan ka marg hai us beech ve Banaras mein gaye aur wahan par ve Chandrasekhar ke घर में निवास करते और प्रसादम लेते तपन मिश्रा के घर पर. So Tapan Mishra had one son, and that son used to give massage. He used to massage the legs of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he would also wash the dishes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो तपन मिश्रा का एक पुत्र था, वो पुत्र जो है वो मालिश करता श्री चैतन्य महाप्रभु के पैरों की और उनके जो बर्तन है उसे धोता था. So Lord Chaitanya instructed this young son of Tapana Mishra. He told him, you stay here with your mother and father so long as they're in this world. You don't leave them, you take care of them. And after they leave the world, then you can come and join me and be with me. You don't need to get married. तो भगवान चैतन्य ने उस छोटे बच्चे तपन मिश्रा के उसे ये आदेश दिया कि अभी आप यहाँ रहिए अपने माता पिता के साथ जब तक वे इस दुनिया में हैं. जब वे इस दुनिया से चले जाएंगे तब आप आके मेरे साथ जुड़ सकते हैं. आपको विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है. So in course of time, Tapana Mishra and his wife, they left the body, and the son's name was Raghunath Bhatta. So after his parents had left the body, he came there to Jagannath Puri, and he stayed in Jagannath Puri. He spent 9 months there in Jagannath Puri, staying with Lord Chaitanya. तपन मिश्रा और उनकी धर्मपत्नी इस जगत से चले गए और उनके जो ये पुत्र रघुनाथ भट्ट ये इनके माता पिता जब चल बसे तो वे पुरी आए और वे वहाँ पर 9 महीने रहे चैतन्य महाप्रभु के साथ. Lord Chaitanya gave great mercy to this young man, Raghunath Bhatta, and he would give him the prasadam of Lord Jagannath, like some betel that they offered to Lord Jagannath. Lord Chaitanya would give it to Raghunath Bhatta. And then there was a very long garland of tosi which had been given to Jagannath. It was given to Lord Chaitanya. Lord Chaitanya gave it to Raghunath Bhatta. Bhagwan Chaitanya ne unhe bahut kripa di is yuvak Raghunath Bhatta ko. Ve unhe जगन्नाथ भगवान का प्रसाद देते. वहाँ पर एक विशेष प्रकार की सुपारी थी और एक बहुत ही लंबी तुलसी की माला थी जो जगन्नाथ जी को चढ़ाई जाती थी. तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु लाके रघुनाथ भट्ट को देते थे. So he stayed there in Jagannath Puri for 9 months. Then Lord Chaitanya told him, you should go to Vrindavan
and you stay there in Vrindavan, and you can associate there. Rupa and Sanatan, other Goswamis are there. You can be with them. तो इस प्रकार 9 महीने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा कि अब आप वृंदावन जाइए और वहां रूप सनातन और अन्य गोस्वामी हैं उनका संग कीजिए और उनके साथ रहिए. So Raghunath Bhatta, he came there in Vrindavan and he was very expert in things like cooking, and he would cook wonderful prasadam. It was like nectar. He had been cooking even for Lord Chaitanya sometimes, and when he came to Vrindavan, he would also cook for the devotees there, and everybody would appreciate his cooking. So not only could he cook, he could also recite the Srimad Bhagavatam, and he could recite the verses of Srimad Bhagavatam in 3 different melodies. जब रघुनाथ भट्ट वहाँ पर वृंदावन में इस प्रकार आए तो वे बहुत ही दक्ष थे प्रसादम बनाने में. जो प्रसादम वे बनाते वे अमृत के समान था. तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए पकाते और उनके साथ साथ वृंदावन में और भक्तों के लिए भी वे पकाते थे. तो सभी भक्त उनके प्रसादम की बहुत सराहना करते थे. केवल वे अच्छा पकाना ही नहीं जानते थे, इसके साथ साथ वे बहुत अच्छी तरह से श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करना भी जानते थे, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का. और ऐसा कहा गया है कि वे श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को 3 धुनों में वो गा सकते थे. Lord Chaitanya had told him his service was to recite Srimad Bhagavatam, to read the Srimad Bhagavatam, and he would read it out aloud, and he would recite the slokas, all these different tunes, giving pleasure to everyone. श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा था कि आपकी सेवा है श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करना, श्रीमद् भागवत को पढ़ना. तो वो बहुत ऊंची आवाज में अच्छे से जोर से श्रीमद् भागवत को पढ़ते थे, उनके श्लोकों का उच्चारण करते थे इन अन्य धुनों में, और इस प्रकार सभी को आनंद प्रदान करते थे. So he was there in Vrindavan, he would read the Bhagavatam to Rupa Goswami. तो वे वृंदावन में थे और वो श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे श्री रूप गोस्वामी के लिए. And sometimes also he would be cooking, and he would never talk any nonsense. He would never hear any bad things about devotees. He would always say, everyone is just simply engaged in service for Lord Krishna. इस प्रकार कुछ समय वे पकाते भी थे और वो कभी कोई प्रजल्प नहीं, कोई बकवास चीजें नहीं बात करते थे, और वो दूसरे भक्तों के विषय में भी कुछ बुरी बातें नहीं कहते थे. वो बस ये कहते थे कि हर कोई अच्छे तरीके से भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है. He had some disciples, and one of his disciples helped to build the Govinda temple, and he also gave the ornaments for the Govinda deity. He bought all the ornaments for the deity there of Govinda in Vrindavan. तो उनके कई शिष्य भी थे और उनमें से एक शिष्य ने गोविंद मंदिर के निर्माण कार्य में सहायता की थी. वे गहने भी ले आए थे भगवान गोविंद के लिए जो वृंदावन में विराजमान थे उस समय. So he shows us the wonderful example of how to be a Krishna conscious devotee, using everything for the service of Krishna. तो ये हमें दिखाते हैं कि किस प्रकार हमें एक अच्छा उदाहरण वो दिखाते हैं एक कृष्ण भावना में भक्त का, कि हमें हर वस्तु का सही उपयोग करना है कृष्ण की सेवा में. So have I got time? Can I keep going? Is it okay? Guru Maharaj, I think after 10 minutes we will have question and answer session. No, we can have 10-15 minutes, no problem.
Okay, I was going to tell one more pastime, an important pastime concerning Advaita Acharya. Oh, there is a mic open. Can we please unmute that? My mic is open. I wanted to tell this pastime about Advaita Acharya with Kamalakanta Vishvasa. Kamalakanta Vishvasa was the secretary of Advaita Acharya. And he knew all the dealings, all the personal dealings of Advaita Acharya. So what happened was this Kamalakanta Vishvasa, somehow he sent a message to the king of Puri, Maharaj Prataparudra, telling him that Advaita Acharya is the personality of Godhead, but he has a debt of 300 rupees. And you know, we need help. We need the king's help to pay off the debt. तो मैं आपको एक बहुत विशेष लीला का वर्णन करना चाह रहा था श्री अद्वैत आचार्य के विषय में. तो कमलकांत विश्वास वे अद्वैत आचार्य के सचिव थे. वे अद्वैत आचार्य के सभी निजी कार्यों के विषय में जानते थे. तो कमलकांत विश्वास ने एक सूचना भेजी पुरी के राजा को, महाराज प्रताप रुद्र को, कि उन्होंने कहा कि अद्वैत आचार्य जो हैं वो परम, वो भगवान ही हैं, परंतु उन्हें 300 रुपए का एक ऋण है और मैं आपसे मदद चाहता हूँ उनके ये ऋण चुकाने के लिए. So somehow that note got into the hands of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Chaitanya Mahaprabhu read it and he said, oh, he said, well, it's very good. He said he understands that Advaita Acharya is the personality of Godhead. Certainly it's true. He is the personality of Godhead. But he's made a great offense by saying that he's in debt the sum of 300 rupees. He said, this is not the proper thinking. How could God be in debt 300 rupees? जब किसी न किसी प्रकार से ये जो सूचना उन्होंने राजा के लिए भेजी थी वो चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंची और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे पढ़ा और उन्होंने कहा, हाँ ये तो अच्छी बात है कि वे समझते हैं कि अद्वैत आचार्य भगवान ही हैं, बेशक वे भगवान ही हैं, परंतु इसके साथ साथ उन्होंने एक अपराध किया है और वो अपराध ये है कि उन्होंने कहा है कि अद्वैत आचार्य 300 रुपयों के लिए ऋणी है. So 300 rupees in the times of Chaitanya Mahaprabhu was a huge sum. It was like 300 lakhs or more. So Lord Chaitanya Mahaprabhu said, this Kamalakanta Vishvasa, he is an offender. He has committed a great offense saying like this. He said, I don't want him to come in my association anymore. And he told Govinda, his servant, he said, don't let this Kamalakanta Vishvasa come to see me anymore, because he's committed this great offense. This is rasabhas, to say that God, somebody who is God, is in debt 300 rupees. God is not a poor man. तो चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा कि ये जो कमलकांत विश्वास है, ये बहुत बड़ा अपराधी है. इन्होंने बहुत गंभीर अपराध किया है और मैं उन्हें अपने संग में नहीं आने देना चाहता आज से. और उन्होंने गोविंद को कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये कमलकांत विश्वास मेरे करीब, मेरे संग में आज के बाद कभी भी आए. उन्होंने बहुत महान अपराध किया है. ये रास आभास है कि आप ऐसा कहते हैं कि भगवान जो है वो 300 रुपए के लिए रीडिंग हो. Lord Chaitanya called him, he said, this Kamalakanta Vishvasa has become a bolya. Bolya is a one who does not know things as they are. And it's one of the 13 different kinds of apasampradayas. So Lord Chaitanya was rejecting him. Shri Chaitanya Mahaprabhu ne kaha ki Kamalkant jo hai ye boliya ho chuka hai.
तो ये इसका अर्थ ये है कि वो जो चीजों को वास्तव में क्या है उसे नहीं जानता। ये 13 तरीके के अपसंप्रदायों में से एक है, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। So when Advaita Acharya heard this, you know, because Kamala Kanta Vishvasa is the secretary of Advaita Acharya, when Advaita Acharya heard this, then he came to see Lord Chaitanya. Well, first of all, he spoke to Kamala. When Kamala Kanta Vishvasa heard, he could not get to see Lord Chaitanya again. He was very sad. But Advaita Acharya, when he heard that he couldn't, that Kamala Kanta Vishvasa couldn't get to see Lord Chaitanya again, he thought, no, this is very good. You're very lucky. You've been punished by the Supreme Lord, by the Lord Chaitanya Mahaprabhu has personally punished you. You're very lucky. You're very fortunate. So, when Kamalkant Vishwas ne ye baat suni ki unhe aaj se Chaitanya Mahaprabhu ka sang nahi prapt hoga, to ve bahut dukhi hue. परंतु जब अद्वैत आचार्य ने ये बात सुनी कि उनके सचिव को अब से चैतन्य महाप्रभु का संग नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा, नहीं, ये तो बहुत अच्छा है, आप बहुत भाग्यशाली हो कि व्यक्तिगत रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने आपको दंडित किया है, आप तो बहुत भाग्यशाली हो। So Advaita Acharya explained, he said, you know, previously Lord Chaitanya would always respect me because I'm older than him, because I'm older in age, he would come and respect me and touch my feet. So I wanted to make him angry, so I began to preach Yoga Vashishta. I was preaching impersonal philosophy. And when he heard, he got so angry, he came all the way over to Shantipur and he threw me on the ground and beat me. So that was his punishment to me. अद्वैत आचार्य ने कमलकांत विश्वास को ये कहा, ये समझाया कि पहले श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा मुझे आदर देते, मेरा सम्मान करते क्योंकि मैं उम्र में उनसे बड़ा हूँ, वे मेरे पैर छूते, परंतु मैंने उन्हें गुस्सा क्रोध दिलाने का प्रयास किया, मैं योग वशिष्ठ निराकारवाद प्रचार करने लगा, ये देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हुए, वे शांतिपुर आए, उन्होंने मुझे जमीन में फेंका और मुझे मारा, ये दंड दिया उन्होंने मुझे। So he said, he told Kamala Kanta Vishvasa, you're very fortunate, you've been punished by the Lord. And Advaita Acharya gave other examples. He said, just like Makunda got punished by the Lord didn't want to see Makunda for many millions of births. तो इस प्रकार अद्वैता आचार्य ने कमलकांत विश्वास से कहा, आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको भगवान ने स्वयं दंडित किया है, और उन्होंने और उदाहरण दिए, जैसे कि मुकुंद भी चैतन्य महाप्रभु द्वारा दंडित किया गया था कि वे उन्हें लाखों जन्म तक नहीं मिल पाएगा। And Mother Sachi was told, Lord Chaitanya said, everyone will get my mercy except Mother Sachi, because Mother Sachi is an offender of pure devotees. She has offended Advaita Acharya. तो फिर उन्होंने कहा कि माँ सच्ची माँ को भी दंडित किया गया था ये कहते हुए कि सबको मेरी कृपा प्राप्त होगी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, सिवाय माँ सच्ची के, क्योंकि वे एक अपराधी हैं, उन्होंने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है। Of course, Mother Sachi, she got forgiven for her offenses. And Makunda also, Lord Chaitanya forgave him and let him come in his association. So Advaita Acharya went to see Lord Chaitanya. And he said to Lord Chaitanya, he said, why are you giving more mercy to this Kamala Kanta Vishvasa than you give to me? बेशक ही माँ सच्ची अपने अपराधों के लिए माफ की गई थी चैतन्य महाप्रभु द्वारा, और मुकुंद को भी माफ कर दिया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने, बाद में उनका संग प्रदान किया था उन्हें, तो अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को कहा, क्यों आप इस कमलकांत विश्वास को मुझसे अधिक कृपा प्रदान कर रहे हैं? And Lord Chaitanya was surprised. What are you talking about? And Advaita Acharya explained, he said, yeah, you, he said,
you never stopped me from coming to associate with you. You only beat me. But you've given him a bigger punishment than me. You're not letting him come and see you again. Why are you giving him more mercy than I got? श्री चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित हुए और वो अद्वैत आचार्य को बोले क्या बात कर रहे हो आप तो अद्वैत आचार्य ने उन्हें कहा कि आपने मुझे तो कभी आपसे मिलने के लिए नहीं रोका आपने तो मुझे केवल मारा था आप इस कमलकांत विश्वास को मुझसे अधिक दंड दे रहे हैं आप उसे कह रहे हैं कि वो दोबारा आपसे मिलने नहीं आ सकता तो क्यों आप उसे मुझसे अधिक कृपा प्रदान कर रहे हैं So Lord Chaitanya, when he heard the Advaita Acharya speak like this, then he had to laugh. He was appreciating that this Advaita Acharya is so clever. So Lord Chaitanya said, all right, bring this Kamalakanta Vishvasa here. I will instruct him. और फिर उन्होंने कहा ठीक है आप इस कमलकांत विश्वास को मेरे पास ले आइए मुझे उसे उपदेश देना है So Kamalakanta Vishvasa came into the room then Advaita Acharya starts to complain he said why are you bringing him in here this person he's cheated me in two ways फिर कमलकांत विश्वास चैतन्य महाप्रभु के कमरे में ले आए गए और फिर अद्वैत आचार्य वहां शिकायत करने लगे कि आप इस व्यक्ति को क्यों यहां ले आ रहे हैं इसने मुझे दो तरीकों से धोखा दिया है So only Lord Chaitanya and Advaita Acharya could appreciate the joking words तो केवल श्री चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य ही इस प्रकार के हंसी मजाक के शब्दों की सराहना कर पा रहे थे So Lord Chaitanya told Kamalakanta, he said, you should not get involved in the private affairs of Advaita Acharya because you're damaging his religious principles. Chaitanya Mahaprabhu ne Kamalakanta se kaha ki aapko Advaita Acharya ke niji mamlon mein shamil nahi hona chahiye. आप उनके धार्मिक सिद्धांतों का नुकसान कर रहे हैं। It's a great offense to say somebody is God and then at the same time say he's in debt. It is rasa basa. It's the overlapping of different rasas. It's a big contradiction. तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है कि आप कहते हैं पहले कि कोई भगवान है और उसके बाद ये कहते हैं कि वो ऋण में है। तो ये एक रास हवास है ये बहुत ही बड़े प्रकार का अंतर विरोध है Lord Chaitanya told Kamalakanta, he said, Advaita Acharya is my spiritual master. He should never accept charity from rich men or from kings. तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अद्वैत कमलकांत विश्वास को कि जो अद्वैत आचार्य हैं वो मेरे गुरु हैं वे उन्हें कभी भी कोई प्रकार का दान स्वीकार नहीं करना है अमीर व्यक्तियों से और राजाओं से One who is a guru should never take money or grains from materialistic people because it will pollute his mind तो जो कोई गुरु है उसे कभी भी धन या अन्न नहीं लेना चाहिए भौतिकतावादी व्यक्तियों से क्योंकि ऐसा करने से उसका मन प्रदूषित हो जाएगा So it is the Vedic culture when we give charity we should give charity to the brahmanas and to sannyasis and the purpose of by giving charity we get free from sinful activities तो ये वैदिक संस्कृति है कि हमें अगर दान देना है तो हमें वो ब्राह्मणों को और सन्यासियों को देना चाहिए क्योंकि ऐसा करके हम हमारे पापमय कार्यों से मुक्त हो सकते हैं So the proper culture is a brahmana should only take charity from a person who is very pious तो जो सही
संस्कृति है वो इस प्रकार है कि ब्राह्मण को दान उसी व्यक्ति से लेना चाहिए जो बहुत पवित्र है. Lord Chaitanya is giving this instruction for all the devotees. You have to be very careful. If you take anything from materialistic people, then it will pollute your consciousness. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ye upadesh de rahe hain, ye aadesh de rahe hain bhakton ke liye. Bhakton ko bahut savdhan rehna chahiye ki agar hum bhautiktavadi vyaktiyon se kuch bhi swikar karenge. Right? Anybody who wants to become a disciple, they have to very strictly follow the rules and regulations. And we should not even take charity or any food from people who don't follow the rules and regulations. दान या अन्न ऐसे व्यक्तियों से नहीं लेना चाहिए जो नियमों का पालन नहीं. Because the mind will be very difficult to remember Krishna in the mind, and if we cannot remember Krishna, then our life is useless. क्योंकि ऐसा करने से हमें कृष्ण को मन में उनका कृष्ण का स्मरण करना बहुत कठिन हो जाएगा. और अगर हम मन में कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते तो जीवन कोई काम का नहीं है. So one who is a devotee, especially a spiritual master, he must be very careful to protect his character and his religiosity and his image. He should be very careful what he eats and who he takes charity from. तो इस प्रकार से जो भक्त हैं, खास करके जो गुरु हैं, उन्हें इस मामले में बहुत सावधान रहना चाहिए. अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, अपनी धार्मिकता की रक्षा करनी चाहिए, उनकी जो छवि है उसकी रक्षा करनी चाहिए, और ये ध्यान देना चाहिए कि वे क्या खाते हैं और कहाँ से दान लेते हैं. So Chaitanya Mahaprabhu gave this instruction to Kamalakanta Vishvasa, but it was meant for everyone. And when Advaita Acharya heard all this, he was very happy, he was very pleased. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये उपदेश दिए कमलकांत विश्वास को, परंतु ये उपदेश सभी के लिए है. और जब अद्वैत आचार्य ने ये सुने तो वो बहुत प्रसन्न हुए. So Advaita Acharya was very appreciative of the very serious instructions given by Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो अद्वैत आचार्य जो थे वो बहुत प्रशंसनीय थे इन गंभीर निर्देशनों के विषय में जो चैतन्य महाप्रभु ने दिए. Okay, so we've spoke about many children, young people in the pastimes of Lord Chaitanya, and we added on this one pastime of Advaita Acharya here. तो ठीक है, हमने बहुत लीलाएं सुनी चैतन्य महाप्रभु के विषय में जिनमें छोटे बच्चे थे, और फिर उसके बाद हमने अद्वैत आचार्य के विषय में ये लीला सुनी. All right, are there any questions? अगर आप किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण प्रभु, you just give it a couple of minutes. I think as we wait, we'll get some questions coming in. Sure, sure, sure. हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत सो मेनी थैंक्स टू यू फॉर अ वंडरफुल लेक्चर एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑन दिस डे अबाउट श्री अद्वैत आचार्य. थैंक यू सो मच महाराज. हरे कृष्णा, वी लव टू हैव योर एसोसिएशन अगेन एंड अगेन. हरे कृष्णा. थैंक यू महाराज. परमेश्वर गौरदास. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओके, देयर्स अ क्वेश्चन इन द चैट. How can we use the charities we receive from karma, karmis and vikarmis for seva? तो ये एक प्रश्न है यहाँ पर कि कर्मियों और विकर्मियों से हमको जो दान मिलता है उसे किस प्रकार हम सेवा में लगाएं? Yes, we use it. We don't use it for ourselves. That's the point. We don't use it for our own maintenance. We use it for seva. We use it for the service of Lord Krishna.
And in that way, the karmis and the vikarmis, they all become purified to get the benefit of donating for the service of Lord Krishna. तो हाँ यही बात है ये जो कर्मी और विकर्मी हमें जो भी दान देते हैं ये हम अपने रख रखाव के लिए नहीं इसका उपयोग करते ये हम उपयोग करते हैं भगवान कृष्ण की सेवा के लिए तो जब हम इसे कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो ये जो कर्मी और विकर्मी हैं ये शुद्ध हो जाते हैं और उन्हें भगवान कृष्ण की सेवा में दान देने का लाभ प्राप्त होता है. So Lord Chaitanya's movement is to engage all these karmis and vikarmis to collect their wealth and use it for the service of Krishna. That is purifying for them. So Sri Chaitanya Mahaprabhu ka jo ye andolan hai, isme aisa hai ki karmiyon aur vikarmiyon ko bhi hum isme laga sakte hain. Unka jo dhan hai, wo ikkatta karke hum Bhagwan ki seva mein laga sakte hain, jiska laabh unhe prapt hoga. We don't take anything for our own self. It's all used for the service of the deity or the deity's property, the deity's temple. So, हम कुछ भी अपने निजी लाभ के लिए उपयोग नहीं करते हैं. जो भी हमें मिलता है, हम उसका उपयोग करते हैं विग्रह के लिए या विग्रह की जो संपत्ति है मंदिर उसके लिए. Yes, the other question. Please, okay, my humble man, as Grihastha, with our limited devotion and sadhana practice, how much chances do we get for liberation? Okay, that's the first question. How much chances do we get for liberation? Well, okay, go ahead. Sorry, go ahead. So, pehla prashna hai. कि महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गृहस्थ होने के नाते से और हमारी सीमित भक्ति और साधना करते हुए कितनी संभावना है कि हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे. You have to understand the followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu, mostly they are all grihasthas. I was speaking today about Advaita Acharya and Shivananda Sen. They're both grihasthas with big families, with children. And I was telling how their children were nice devotees and they were also very great devotees. So being a grihastha is not an obstacle to spiritual advancement. तो आपको ये समझना होगा कि चैतन्य महाप्रभु के जो अधिकतर अनुयायी थे वे गृहस्थ थे. आज मैं जैसे अद्वैत आचार्य पर कथा कर रहा था शिवानंद सेन पे तो मैंने बताया कि इनके बड़े परिवार थे इनके बच्चे थे कैसे इनके बच्चे अच्छे भक्त थे वे महान भक्त थे तो इस प्रकार से हमें समझना है कि गृहस्थ होना आध्यात्मिक जीवन में बाधा नहीं है. But the problem is your limited sadhana. You have to do sadhana just like all devotees. We initiated devotees, we follow four principles, we chant 16 rounds. You have a family, they can help you do sadhana. That together you should all chant. You should have a deity or you have an altar in your home and you do kirtan regularly and you can have classes together. You know, you can have good association with your family. Make them all nice devotees. आपको साधना करनी है. हर दीक्षित भक्त चार नियमों का पालन करता है, 16 माला जपता है और आपका परिवार आपकी साधना करने में आपका सहयोग कर सकता है. घर में आप विग्रह और मंदिर बना सकते हैं, साथ मिलकर कीर्तन कर सकते हैं, साथ मिलकर कथा कर सकते हैं. इस प्रकार आप अच्छा संग अपने परिवार के साथ ही प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अच्छे भक्त बना सकते हैं. Now, Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON, he was a family man and he had, I think, 5 children and he had sadhana, he did sadhana and he also didn't live in the temple because sometimes people say, oh, you have to live in the temple. They think you have to live in the temple to be a good devotee. But Prabhupada said, well, I never lived in the temple. प्रभुपाद जी भी जो हैं जो हमारे आंदोलन के संस्थापक आचार्य हैं वे भी एक
पारिवारिक व्यक्ति या गृहस्थ थे, उनके 5 बच्चे थे, वे भी साधना करते थे, वे मंदिर में नहीं रहते थे। कभी कभी हमें कोई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं ओ हमें भक्त बनने के लिए मंदिर में रहना पड़ेगा, लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने कहा मैं तो कभी मंदिर में नहीं रहा था। So even you're not living in the temple, you're in family life, you have to do sadhana. Krishna says, as you surrender to me, I reward you accordingly. So you want liberation? It's up to you. How much do you want liberation? You have to do sadhana, you have to chant, you have to hear about Krishna. मंदिर में नहीं रहते, अगर आप पारिवारिक व्यक्ति हैं, घर पर रहते हैं, तो भी आपको साधना तो करनी होगी। कृष्णा कहते हैं जितना आप मेरा शरण लोगे उस प्रकार से मैं आपको पुरस्कार दूंगा। तो आपको ये देखना है कि कितनी गंभीरता से आपको मुक्ति चाहिए, तो आपको साधना तो करनी ही पड़ेगी, आपको जपना तो पड़ेगा, भगवान के विषय में सुनना ही पड़ेगा। Alright, second question from this chat. The second question is, what happened? Since we are connected with Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement, if we are liberated, with whom will we be in the spiritual world? Chaitanya Mahaprabhu or Krishna? Dusra prashna hai, kyunki hum Chaitanya Mahaprabhu ke andolan, Sankirtan andolan se jude hue hain. तो जब हम मुक्त हो जाएंगे हम आध्यात्मिक जगत में किसके साथ होंगे, चैतन्य महाप्रभु या कृष्णा? Well, Chaitanya Mahaprabhu is with Krishna. He is Krishna. All of his associates, they're all Krishna conscious, fully Krishna. They're all devotees from Krishna Leela. And they come to be with Chaitanya Mahaprabhu. And the gopis, they do Sankirtan. And Braja, they're doing Sankirtan. When they feel separation from Krishna, they get solace by doing Sankirtan. So it's up to you. Where do you want to be? Do you want to be with Lord Chaitanya or with Krishna? There's no difference, really. If you're with Lord Chaitanya, that's also the spiritual world, the supreme abode. चैतन्य महाप्रभु हैं, वे भी कृष्ण के साथ ही हैं, वे ही कृष्ण हैं, उनके जो सारे सहयोगी हैं वे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, वे भी अन्य भक्त हैं कृष्ण लीला से ही, जो चैतन्य लीला में भाग ले रहे हैं। जो गोपियां हैं वे भी संकीर्तन करती हैं व्रजभूमि में, जब वे कृष्ण से दूरी महसूस करती हैं वे भी संकीर्तन करती हैं, जिससे उन्हें कुछ शांति प्राप्त होती है। तो ये आपके ऊपर है, आप किसके साथ रहना चाहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु या कृष्णा? परंतु दोनों में कोई अंतर नहीं है, चैतन्य महाप्रभु भी आध्यात्मिक जगत में है। We cannot join the pastimes of Radha and Krishna without going through the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो हम राधा और कृष्ण की लीलाओं में भाग नहीं ले सकते चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अगर हम प्राप्त नहीं होंगे तो। Next question. I give prasadam to my neighbor in my apartment. They are materialistic people, so they gave me back some vegetarian food which I couldn't refuse because they feel bad. I didn't eat. My family members and I couldn't find... My family members ate a little bit and I couldn't find anyone to pass the remaining food. Is it harmful for me to accept the food? ये प्रश्न है कि मैंने प्रसादम दिया मैंने मेरे पड़ोसियों को जो मेरे इमारत में रहते हैं जहां मैं रहती हूं, वे भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ शाकाहारी अन्न वापस लौटाया और मैं इसे अस्वीकार नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें बुरा लगता। मैंने उसे खाया नहीं, परंतु मेरे परिवार के सदस्यों ने थोड़ा बहुत खाया क्योंकि और कोई मुझे नहीं मिला जिसे मैं ये खाना दे सकूं। क्या ये मेरे लिए नुकसानदायी होगा इस प्रकार खाना लेना? Yes. So, you have some food you don't want. You find somebody, you can always, if there's some animals around, you know, of course,
in the Middle East there, you don't have too many dogs around, but you can all take the food to the sea. You could put it in the sea, or you could put it in and bury it in the ground. That's also possible. तो हाँ आपको इस प्रकार का जब कुछ खाना मिलता है अन्न मिलता है जो आप नहीं खा सकते तो आप किसी और को देने के लिए ढूंढ सकते हैं जैसे कोई जानवरों को दे सकते हैं जरूर आप मध्यपूरी देशों में है यहाँ पर ज़्यादा कुत्ते नहीं हैं तो आप इस प्रकार से जो खाना है उसे समुद्र में डाल सकते हैं या इसे ज़मीन में भी दफना सकते हैं You can put it under a tree, let some insects come and get it. आप इसे कोई पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं ताकि कोई कीड़े मकोड़े आके इसे खा लें। Next question. Maharaj? Yes. Would you like us to filter and maybe prioritize some of the questions and read it out to you so it's easy for you to answer them? Is that okay? Yeah. Sure. Okay. Next question. I mean, is it harmful to accept the charity of food? But I can't eat it because it is not prasadam and it is cooked by materialistic people. It's the same continuation, Guru Maharaj. Oh, it's the same, yeah. Uh-huh. The next question is from Dinesh Kumar. Uh-huh. Can I read it? Guru okay. Yeah, my kind inquiry is that in other yugas and other kalyugas, when Lord Chaitanya Mahaprabhu does not come, then how the people get bhakti of Lord Krishna? Is that right to say that one gets bhakti for Krishna only in Kali Yuga when he comes? Kindly please guide me, Maharaj. तो ये प्रभु की जिज्ञासा है कि जब दूसरे युगों और कलयुगों में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो किस प्रकार लोगों को कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है क्या ये सही है कहना कि हमें भक्ति प्राप्त होती है जब कृष्ण ही केवल कलयुग में आते हैं कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए Well, in every age there is the chanting of the holy name. In every age, the chant. We see Ajamila chanted the holy name. We see Draupadi chanted the holy name. Dhruva Maharaj was chanting the holy name. And so they, you know, they got their bhakti. So hum dekhte hain ki har yug mein Bhagwan ke pavitra naamon ka jap hota hai. हम देखते हैं अजामिल ने जप किया द्रौपदी ने भी भगवान के नाम का जप किया था ध्रुव महाराज ने भी जप किया था तो उन्हें भक्ति मिली थी गजेंद्र आल्सो गॉट भक्ति इस प्रकार गजेंद्र को भी भक्ति प्राप्त हुई थी सो सर्टेनली देयर वाज भक्ति इन अदर एजेस नॉट जस्ट चैतन्य महाप्रभु बट चैतन्य महाप्रभु ही इज गिविंग नॉट जस्ट भक्ति ही इज गिविंग कृष्ण प्रेम He's giving raga bhakti. He wants everybody to get the highest love for Krishna, prema bhakti. So, Shri Chaitanya Mahaprabhu, jo hai, wo sorry. To isi prakar bhakti anya yugon mein bhi thi, keval Chaitanya Mahaprabhu ke yug mein nahi. Parantu Chaitanya Mahaprabhu jo hai, wo keval bhakti hi nahi de rahe hain, wo Krishna prem de rahe hain, wo raga bhakti de rahe hain, wo sabse uchchatam prem Krishna ka pradan kar rahe hain, jo hai prema bhakti. So Chaitanya Mahaprabhu is giving something very special. We said that's prema bhakti, but every age there's bhakti. Bhakti was always there, but prema bhakti is very special. That's coming because of Chaitanya Mahaprabhu's presence. तो चैतन्य महाप्रभु बहुत विशेष प्रेम भक्ति प्रदान कर रहे हैं। भक्ति तो हर युग में थी, परंतु प्रेम भक्ति बहुत विशेष है, और ये केवल चैतन्य महाप्रभु के उपस्थित होने से ही प्राप्त हो रही है। Okay. Is it right to say one gets bhakti for Krishna only in Kali Yuga? Well, no, it's not right. You get bhakti, you can get bhakti in any age. But this prema bhakti is very special. And to get prema bhakti, you need to get Chaitanya Mahaprabhu. तो नहीं भक्ति आप किसी भी युग में पा सकते हैं परंतु प्रेम भक्ति बहुत विशेष है और प्रेम भक्ति पाने के लिए आपको ये श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है You need to get connection with a devotee who's got that prema bhakti to get it.
तो आपका आपको संपर्क करना होगा एक ऐसे भक्त से जिसके पास प्रेम भक्ति है, वही वहीं से आपको ये मिल सकती है. Okay, next question. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. We are hereby advised to not take charity from materialistic people. But does that not apparently contradict the act of we giving charity to pure brahmanas, because that will spoil their sadhana in turn? तो ये प्रश्न है कि महाराज हमें यहाँ पर आपने सलाह दी कि हम दान भौतिकतावादी व्यक्तों से नहीं लें, परंतु ये उसके विपरीत नहीं होगा क्योंकि जब हम किसी शुद्ध ब्राह्मण को देते भी हैं तो वो उनकी साधना को बिगाड़ सकता है. Yes, some brahmanas, even I was hearing recently, there are some devotees in Bali, so they won't take prasad from the house of a devotee who doesn't do good sadhana. Unless they're sure this devotee really does good sadhana, they won't take any charity from them. Haal hi mein sun raha tha ke koi brahmana, koi bhakt hai Bali mein, जो दूसरे भक्तों के घर से प्रसाद नहीं प्राप्त करते जब तक वे देख नहीं लेते कि उस भक्त की बहुत अच्छी साधना है, अन्यथा वे वहां से कोई दान नहीं स्वीकार करते. And we have examples like Sudama Brahman. He wouldn't go and beg charity. He didn't want to go and take charity from anyone. So he and his wife were practically starving. And then Madhavendra Puri. Madhavendra Puri is a sannyasi. He didn't eat unless somebody gave him something. He just wouldn't eat. He'd just chant and he'd wait. If somebody gave him something, then he would eat. Otherwise, he wouldn't eat. इस प्रकार हम देखते हैं सुदामा ब्राह्मण के उदाहरण से भी कि वो किसी से दान नहीं लेते. तो बिल्कुल भूखमरी के अवस्था पर वे आ गए थे. और माधवेंद्र पुरी है, वे भी किसी से वे भी खाते नहीं जब तक कोई उन्हें कुछ लाके नहीं देता. वो केवल भगवान के नामों का जप करते, अगर कोई उन्हें कुछ लाके देता तो ही वे खाते. So sometimes, you know, some devotees are very strict, they're very careful about who they take charity from. तो इसलिए कई भक्त जो हैं वो बहुत गंभीर हैं, वो बहुत ही सावधान है इस मामले में कि वह किससे दान स्वीकार करते हैं. But in the Krishna consciousness movement, with everything is for the service of the society. So the devotee doesn't have any personal desires or personal needs, but he will accept charity on behalf of the institution, and whatever is given to him, it goes for the institution. तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो भी हमें मिलता है वे हम इस कृष्ण भावनामृत समाज की सेवा में ही लगाते हैं. भक्त को अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं रहता, कोई निजी जरूरत नहीं रहती उसमें. तो जो भी दान हम स्वीकार करते हैं वे इस कृष्ण भावनामृत संस्था के लिए ही उपयोग करते हैं, सब कुछ वहीं पर जाता है. But if the devotee takes it, accepts charity for his own self, then he has to worry about the karma. परंतु अगर भक्त कोई दान लेता है अपनी निजी स्वार्थ के लिए तो उसे फिर उसके कर्म की चिंता करनी चाहिए. Okay, Hare Krishna. Just last one question, Guru Maharaj. Oh yeah. Hare Krishna Prabhu, दान लेना आपने बताया, जब हम दान देते हैं तो उस दान का सदुपयोगी हो रहा है कि नहीं, और फिर उस दान से कोई कार्य गलत हो जाए तो उसका रिजल्ट दान देने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सब्जेक्ट पर प्रकाश डालने की कृपा करें. सो गुरु महाराज, दिस क्वेश्चन द डिवोटी इज आस्किंग दैट यू स्पोक अबाउट एक्सेप्टिंग डोनेशंस. सो समटाइम्स इफ वी गिव डोनेशंस, we don't know if it is being used rightly or not rightly. So will it affect the person who is giving the donation? How will it affect? Kindly please enlighten on this. Right. You're giving donation, and generally when we give donation, we like to, you know, we're getting
purification. Like if we give donation for the service of Krishna consciousness movement, we should get some purification from that donation. And that purification will relieve us from sinful reactions. But if the money is not used in Krishna consciousness, then we don't get any benefit. तो महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप दान दे रहे हैं, जब आप देते हैं, तो हमें ये दान देकर हमारा शुद्धिकरण चाहिए। तो अगर हम कुछ दान दे रहे हैं इस हरे कृष्ण आंदोलन की सेवा में, तो उस दान द्वारा हम शुद्ध होते हैं, हम अपने पाप कार्यों से मुक्त होते हैं। परंतु अगर वो जो धन हमने दिया वो कृष्ण की सेवा में नहीं लग रहा तो हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। So in Bhagavad Gita, Krishna describes there's charity in the modes. You give charity in goodness, you give charity in passion, you give charity in ignorance. So if we give charities to somebody who is doing something sinful, we can suffer because we'll take the reactions of, we'll have to share in the karma, which the sinful activities which the person did when we give him something. गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दान तीन गुणों में है, सतोगुण में भी दान होता है, रजोगुण में भी और तमोगुण में भी। तो अगर हम कोई पाप कार्य के प्रति दान देते हैं तो हमें उन पाप कर्मों का फल भी भोगना होगा, हम उस कर्म के भागी हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम कुछ देते हैं अगर वो पाप कार्य में है तो उसका फल परिणाम हमें भी भोगना होगा। So the highest charity is to give in a holy place to a qualified person at the proper time without motive, without any thinking of what I'll get, what material gain I will get. तो जो सबसे सर्वोच्च दान है वो है कोई पवित्र स्थान में हमें करना चाहिए, कोई योग्य व्यक्ति को उचित समय पर, और उसमें कोई अपना निजी लाभ न रखते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि इस दान से मुझे क्या भौतिक लाभ प्राप्त होगा। So we should be very careful how and who we give charity to. तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि कैसे और किसे हम दान दे रहे हैं। And people should be careful also who they take charity from. सावधान रहना चाहिए कि वो किससे दान ले रहे हैं। But if we're serving the Krishna consciousness movement on behalf of the institution, we can engage everyone in Krishna's service. परंतु अगर हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सेवा कर रहे हैं तो इस संस्था की ओर से हम सभी को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। All right. हरे कृष्णा नंद किशोर प्रभु। यस प्रभु। और भी कुछ सवाल है? बाकी सब हो गया? नहीं प्रभु, चैट बॉक्स में सब फिनिश हो गया। ओके, मैं अभी अनाउंसमेंट के लिए शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? हरे कृष्णा सभी भक्तों को। आज हम लोगों को पास तीन अनाउंसमेंट है। सबसे पहला अनाउंसमेंट है प्रिया दंधु और सत्संगी अटेंडिंग क्लासेस विद अपूर्व गोपिका माता जी। इन्होंने प्रार्थना चाहिए बोलती है भक्त से, क्योंकि उनका माँ का तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उनको कैंसर आ गया, उनको ट्रीटमेंट के लिए मॉरिशियस में है, उनके लिए और वेलबींग के लिए भी हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। दूसरा तो प्रेयर्स चाहिए हेमरूप प्रभु का धर्मपत्नी प्रेमपूर्ण गौरांगी देवी दास माता जी, उनका माँ, उनका नाम है श्रीमती चंद नारायण काकू, उनको तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है, उनका तबीयत ठीक होने के लिए भी हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। फिर तीसरा अनाउंसमेंट है, आगे जितना भी शुक्रवार है, हर एक शुक्रवार में हम लोग महाप्रभु का लीला और महाप्रभु का चरित्र में बहुत कुछ प्रवचन सुनने वाला है, क्योंकि हम लोग आगे गौरव पूर्णिमा के लिए तैयारी होने के लिए ये आगे जितना भी शुक्रवार है इसके बारे में होगा, महाप्रभु का लीला के बारे में, चैतन्य चरितामृत से भी होगा, यही अनाउंसमेंट है तीसरा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल एसोसिएशन एंड ऑल द आंसर्स वंडरफुल।
Maharaj, we thank you again and again, and please accept our humble obeisances once again, Maharaj. Hare Krishna, thank you, Parameshwar Prabhu. Hare Krishna, thank you, Maharaj. Hare Krishna, isolinus bhakti vinashan nashinga swami Maharaj ki jai. Yeah. A few announcements. This is Tulsi Govindadas. As you have instructed me. Yeah. Day before yesterday was His Grace Parameshwar Gaur Prabhu and Gita Parameshwari Mataji's wedding anniversary. And today is the appearance day, birthday of His Grace Parameshwar Gaur Prabhu. So we have to pray for him. And one day prior to that, on the 8th was the wedding anniversary of Shivalla Prabhu and Gita Jalur Mataji. So we pray for all of them. Oh, Jai. Jai. And as very nicely announced by Parameshwar Gaur Prabhu, because we are going to have till the end of March, till Gaur Purnima, every Friday, we invite special devotees for Gaur Katha Purnima. And in this month also, on the 25th, we have Nityanand Trayodashi. After the Varaha Dwadashi. So Nityanand Trayodashi and Gaur Purnima next month, 28th of March. Till then, we are going to continue with Gaur Katha, Gaur Katha, Gaur Katha. So we hope to our Friday program, invite others to join us so that we can relish. I hope everyone relish today the question answer session and the nice pravachan given by Maharaj. Thank you, Maharaj. Thank you so much. Maharaj, once again, please accept our humble obeisances. Myself, Gita Parameshwari, and as well as Sadananda Ramachandra Das. So we always seek your blessings to progress in Krishna Bhakti and do more and more preaching. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much. Srila Prabhupada ki.